हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कई बार देखा जाता है कि एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बहुत स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, उसको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इनफैक्ट कई बार अपनी क्लास में देखा होगा कि एक कोई बच्चा है जिसका माइंड बहुत शार्प है, उसको एक बार ही कोई चीज़ बता दो, उसका दिमाग वो उसको कैच कर लेता है, बट वो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता, राइट। हमने देखा है कई स्टूडेंट्स, फिर उसको हम लोग भी सजेस्ट करते, यार तेरा इतना दिमाग तेज़ चलता है, तू पढ़ ले तो तू क्या नहीं कर ले, पर वो बोलता है मेरे से पढ़ा नहीं जाता या मेरा दिमाग नहीं चलता पढ़ने में, राइट। होते ना ऐसे लोग, तो वो क्या है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो टैलेंटेड बच्चे हैं, बट वो कभी भी मेहनत नहीं करते, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप खुद सोचो कि अगर वो बच्चे मेहनत करें जिनको ऑलरेडी इतना टैलेंट है, वो भी अगर और मेहनत करेंगे तो वो कहाँ किस लेवल पर पहुँच सकते हैं, राइट। तो अगर आप टैलेंटेड हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप हार्डवर्क करें, नहीं तो जो व्यक्ति हार्डवर्क करता है वो आपके टैलेंट को पछाड़ सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है। इन शॉर्ट, हार्डवर्क में इतनी काबिलियत है कि वो बॉर्न जीनियसेस को भी पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश अ कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन के लिए, उन्होंने एक प्रोसेस इनिशिएट करी है, प्रोसेस की शुरुआत करी है, जिसमें क्या किया जाएगा, एक कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क इस्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस बाय नवंबर। सभी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए नवंबर के लिए, नवंबर तक। इसका पर्पस क्या है, अब देखो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग तरीके का असेसमेंट होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि अरे पंजाब बोर्ड में तो बहुत हार्ड मार्किंग, स्ट्रिक्ट मार्किंग की जाती है, या फिर राजस्थान बोर्ड में बिल्कुल भी अच्छी मार्किंग नहीं की जाती है, ऐसा अलग अलग सुनने में आता है। अरे सीबीएसई बोर्ड तो हलवा है, अगर किसी ने अच्छे अपने आप को साबित करना है तो वो जाके किसी दूसरे स्टेट फलाने फलाने स्टेट बोर्ड में जाके पेपर दे के दिखाए तो पता चलेगा। तो ये क्या है, ये क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है हर एक स्टेट बोर्ड के, एक तो असेसमेंट सेंटर सेट असेसमेंट के तरीके में, ठीक है, उसके अलावा सिलेबस में डिस्पैरिटी है, ठीक है। कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने, जो हम लोग अभी अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो चीज़ जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल्स हैं वो 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंस है कि वो टॉपिक वहाँ पे कवर ही नहीं कराया जा रहा। तो इससे क्या होता है, जब आपने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे जेईई के लिए देते हैं बच्चे, नीट के लिए देते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि फिर उन बच्चों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती, उनको एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके स्टेट बोर्ड में था नहीं, राइट। तो इस सारी डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए उन्होंने एक कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाने की बात करी। इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी पढ़ी हुई है कि एक और चीज़ भी हमने सुनी है कि वो एक कॉमन सिलेबस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। द मूव हैज़ बीन नेसेसिटेटेड बाय द वाइड डिस्पैरिटी इन द एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय वेरियस स्कूल बोर्ड्स। ये मूव किस लिए किया गया, क्यों लेकर आना पड़ा उनको, क्योंकि इसके लिए उनको इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए 10th और 12th स्टैंडर्ड के, राइट, तो उसमें क्या हुआ, इनमें डिस्पैरिटी है, विविधता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेजर डेविएशंस हैव आल्सो बीन विटनेस्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स एफिलिएटेड टू डिफरेंट बोर्ड्स इवन विद इन द सेम स्टेट और यूटी। अब अगर एक कोई स्टेट है, इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे स्कूल्स, आईसीएसई बोर्ड के भी होंगे, स्टेट बोर्ड के भी होंगे, राइट, तो एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग बोर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया। आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट बहुत उम्दा आया, सीबीएसई का थोड़ा खराब आया, स्टेट बोर्ड का थोड़ा बीच का रहा, तो ये वेरिएशन आ गया, ठीक है। अब जो 90% किसी बच्चे ने स्टेट बोर्ड में स्कोर करा है, ठीक है, वो और जो 90% अगर किसी बच्चे ने सीबीएसई बोर्ड में स्कोर करा है, दोनों मेल ही नहीं खाते कि उनका मार्किंग पैटर्न, सिलेबस जो था वो मेल ही नहीं खाता, मैच ही नहीं करता, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब सपोज करो इस बच्चे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो मुश्किल होती है, राइट।
क्योंकि उनको एडजस्ट करने में सिलेबस वेरिएशंस हैं, पढ़ाने के तरीके में डिफरेंस है, तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है. कॉन्सिक्वेंटली students are facing problems not only when they switch over from one board to another but also when they take national level tests such as the CUET, JEE and NEET. बोल रहे इसी की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम केवल तब नहीं आती जब वो स्टेट बोर्ड एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्विच कर रहे होते हैं, बल्कि जब वो कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होते हैं, नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होते हैं, जैसे कि CUET, JEE, NEET, तब भी उनको प्रॉब्लम आती है. जैसा कि मैंने आपको भी पहले स्टार्टिंग में ही समझाया था, राइट. द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबाई एंड एग्जाम फॉर्मेट फॉर कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस बोर्ड्स कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड इनफ. बोल रहे हैं कि कितनी ज़रूरत है हमें अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के अंदर एक स्टैंडर्ड सिलेबस लेकर आने की, स्टैंडर्ड एग्जाम फॉर्मेट लेकर आने की, कंसिस्टेंसी लेकर आने की. इसके ऊपर ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ऐसा ये कह रहे हैं द नेशनल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 envisages the setting up of a national assessment center. जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई 2020, इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य है कि वो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर स्थापित करे, ठीक है, जिसका नाम है परख. अब परख कैसे है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये उसका नाम है. अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री, और ये किसके अंडर में रहेगा? ये जो हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत, उसके सपोर्ट से काम करेगा, ठीक है, उसके अंतर्गत ये काम करेगा. परक्स मेन फंक्शंस आर टू एनकरेज एंड असिस्ट स्कूल बोर्ड्स टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स टुवर्ड मीटिंग कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट स्किल रिक्वायरमेंट्स. परख का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कि वो स्कूल्स को असिस्ट करे, उनको इनकरेज करे और असिस्ट करे कि देखो भाई, हमें जो अब कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न जो तरीका है, जो कि आज की जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से हमें एग्जाम पेपर सेट करना है, उस हिसाब से हमें असेसमेंट पैटर्न लेकर आना है, ठीक है. हम वो पुराने तकियानुसी घिसे पिटे तरीके नहीं कर सकते. जैसा कि हमने पहले कई दफ़ा पढ़ा है, समय के साथ में आपको, टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भीड़ में पीछे छूट जाएंगे. हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी ये बात लागू होती है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है. हम कितनी सदियों से वही सिलेबस पढ़े जा रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जबकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में बताने की ज़रूरत है, ठीक है. तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के अकॉर्डिंग हमें रेलेवेंट स्किल सेट्स वाले रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से एग्जामिनेशन पैटर्न होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए और असेसमेंट पैटर्न होना चाहिए. द ऑब्सेसिव फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एक्सेप्शनल रिजल्ट्स विद एन एस्टॉनिशिंगली हाई प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स इन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड्स हैज कॉल्ड इन टू क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इवेल्युएशन सिस्टम. बोल रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है एक्सेप्शनली वेल रिजल्ट, हाई रिजल्ट लेकर आने में, हर एक स्कूल का टारगेट होता है ना कि भाई हमारे स्कूल का मैक्सिमम रिजल्ट जाए, 90% से ऊपर स्कोर वाले करने वाले बच्चे हमारे स्कूल से हों. उसके लिए फिर वो बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा होमवर्क का बर्डन भी देते हैं, कितना ज़्यादा स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस और छुट्टियों के दौरान में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब ना आए, ठीक है. तो ये इतना ज़्यादा फोकस दिया जाता है स्कूल्स में एस्टॉनिशिंगली हाई रिजल्ट्स लेकर आने में, बच्चों को 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आने में, राइट. तो ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, और चाहे वो CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड्स हो, ये सब कुछ जो है एक चिंता का विषय है, हैज़ कॉल्ड आउट, और इससे हमारे एग्जिस्टिंग इवेल्युएशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, ठीक है. डाउट्स have also been raised about the quality of education imparted and whether all top performing students are future ready.
बोल रहे हैं कि इस चीज के ऊपर भी डाउट्स उठ खड़े होते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे बच्चों को दिया जा रहा है, जिस क्वालिटी का एजुकेशन हमारे बच्चों को दिया जा रहा है, क्या वो सही है या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैकवर्ड ही चले हुए अभी तक। ठीक है, वेदर और क्या सारे जो स्टूडेंट्स जो टॉप कर रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में, अपने अपने स्कूल्स में जो टॉप कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर रेडी हैं? देखो, एक बात होती है कि आप बुकिश नॉलेज रखते हैं। अब कई बच्चे हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, बट क्या हम में से कितने लोग हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं या अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं? नहीं कर रहे कई लोग। ठीक है, केवल वो लोग जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स में काम कर रहे हैं, उन लोगों को शायद इसका यूज आ रहा होगा। अदरवाइज बाकी हम सब लोग तो नहीं यूज कर रहे ट्रिग्नोमेट्री को। वैसे ही बात आती है और चीजों की, और भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो वी आर नॉट श्योर कि हमारे को फ्यूचर में किस तरह से काम आएंगे, जैसे लाप्लास थ्योरम्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। हम में से कई लोगों को आज तक उनका एक्चुअल मीनिंग भी नहीं पता है कि वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, कहाँ उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमने पढ़े हैं 11th 12th में, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं हमने। जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, यूज़ क्या है इसका? तो क्या जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसी एजुकेशन है कि हमारे आगे फ्यूचर में वो काम आए? ठीक है, क्या हमारे स्टूडेंट्स जो 98-99% लेकर आ रहे हैं, क्या वो फ्यूचर रेडी हैं? वो आगे आने वाली जो भी हालात हैं उनको फेस करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों के ऊपर अब डाउट्स खड़े हो रहे हैं। इट विल अनडाउटेडली बी चैलेंजिंग टास्क फॉर द सेंट्रल असेसमेंट बॉडी टू ब्रिंग वेरियस स्टेट बोर्ड्स ऑन सेम पेज, स्पेशली इन स्टेट्स वेयर अपोजिशन पार्टीज आर इन पावर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ये जो सेंट्रल असेसमेंट बॉडी बनाई गई है इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्यों, क्या चैलेंज होने वाला है? कि सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड्स को एक जगह एक तरह से स्थापित किया जाए, यानी कि सेम सिलेबस हो, सेम एग्जाम पैटर्न हो, सेम असेसमेंट पैटर्न हो, ये सब चीज़ें एक तरीके से करने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ख़ास तौर पर उन स्टेट्स में जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज पावर में है। अब जहाँ पे बीजेपी पावर में, वो तो बीजेपी का कदम है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, स्वागत करते हैं हम इसका, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है, चाहे कदम अच्छा हो चाहे बुरा हो, ऑपोजिशन का मतलब क्या है, वो तो अपोज करेंगे। और आज दिन तक तो हमने अटल जी के अलावा कहीं देखा नहीं कि किसी ने किसी दूसरे पार्टी के किसी फैसले का समर्थन किया हो, राइट? तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी उनके लिए। राइजिंग अबव पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, द सेंटर एंड द स्टेट यूटीज शुड वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन फॉर सक्सेस ऑफ दिस की रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन। यानी कि यहाँ पे जो राइटर है वो इससे थोड़ी उम्मीद जता रहे हैं, इसको एक अच्छा कदम बता रहे हैं, बताते हुए कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी स्कूल एजुकेशन में बदलाव लेकर आना है, सुधार लेकर आना है, तो हमें अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को पीछे रख के आगे केवल और केवल एक दूसरे के साथ में सहयोग से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इस जो ये प्लान बनाया गया है इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और हमारी क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, उसमें सुधार ला पाएंगे। द स्क्यूड साइंस आर्ट्स रेशियो फॉर स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेज इन क्लास 11th 12th इज अनदर इशू दैट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अब हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो साइंस लेना चाहते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, राइट? नॉन मेडिकल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो ये जो अनइवन रेशो है साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, कि ज़्यादा बच्चे साइंस लेना चाहते हैं और फिर आर्ट्स में या कॉमर्स में उतने ही कम बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली मार्क्स के अकॉर्डिंग जाते हैं बच्चे, कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो बेसिकली साइंस ही लेना चाहते हैं, तभी उनने ज़्यादा इतनी मेहनत करी होती है, एफर्ट्स लगाए होते हैं। और जिन बच्चों के कम आ जाते हैं उनके पास ऑप्शन ही दो रह जाते हैं कि या तो आर्ट्स ले लें या कॉमर्स ले लें। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है कि बच्चों को आर्ट्स और कॉमर्स जैसी फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट करना, उनके बेनिफिट्स बताना। ठीक है, क्योंकि अब
आप खुद सोचो कि हर एक व्यक्ति अगर डॉक्टर या इंजीनियर होगा तो बाकी काम हमारे क्लैरिकल काम कौन करेंगे, ठीक है, हमारे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, साइंस वाला स्टूडेंट तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है ना, हिस्टोरियंस कौन बनेंगे जो पिछले चीज़ों की जानकारी रखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अध्ययन करेंगे, राइट। तो हर फील्ड में हमें इक्वल इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है, रेशियो मेंटेन करने की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मूविंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्टेट्स स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन? क्यों ये कदम लाना ज़रूरी हो गया उनके लिए, क्यों वो ये स्टैंडर्डाइज लेकर आ रहे हैं, एक कॉमन लेकर आ रहे हैं? तो इसका रीज़न है टू स्टैंडर्डाइज सिलेबाई एंड एग्जाम फॉर्मेट। सही है ये कि स्टैंडर्ड करना है हमने एग्जाम सिलेबस को और एग्जाम फॉर्मेट को, विच विल इम्प्रूव कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट बोर्ड्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, सभी अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हो गए, चाहे सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड हो गया, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो गया, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन जाएगा जिससे बच्चों को आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस व्हेन स्विचिंग फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर एंड व्हेन दे टेक नेशनल लेवल टेस्ट। ये भी सही है कि जब एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना है उन्होंने, तब उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम करना है, और जो अगर उनने कोई नेशनल लेवल टेस्ट लेने हैं तो उसमें भी उनका एक ही सिलेबस रहेगा कॉमन, तो उनको उसमें भी परेशानी नहीं होगी, राइट। थर्ड पॉइंट है टू फुलफिल द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विजन ऑफ सेटिंग अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, कि नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाना था एक, उसके जो पॉलिसी है उसको पूरा करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्टेट बोर्ड्स एग्जाम, कि यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो एक कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क लेकर आने वाली है सभी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सही है ये बात। तो द डिस्पैरिटी इन एग्जाम रिजल्ट्स अक्रॉस वेरियस स्कूल बोर्ड्स हैज लेड टू दिस इशू टू इश्यूज व्हेन स्टूडेंट्स स्विच बोर्ड्स और टेक नेशनल टेस्ट। बोल रहे हैं कि ये जो अलग अलग ये जो डिस्पैरिटी है, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स का अलग अलग रिजल्ट आया है अलग सब जगह, तो इसकी वजह से एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे ने जब एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्विच करना होता है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही है ना, करनी पड़ती है बच्चों को प्रॉब्लम से फेस। अब जैसे आईसीएसई बोर्ड है वो बहुत एडवांस चलते हैं, वो बहुत आगे की चीज़ें पढ़ाते हैं। जब हम लोग 10th क्लास में थे, हमारे क्लास में 11th क्लास में 10th बोर्ड देकर 11th में जब गए, तो हमारी क्लास में काफ़ी सारे आईसीएसई बच्चे, क्लास के 4-5 बच्चे आए थे आईसीएसई बोर्ड के, तो उन्होंने जो हम चीज़ें 11th में पढ़ रहे थे वो उन्होंने ऑलरेडी 10th में कवर कर ली थी, और वो हमसे आगे थे, वो लोग रिलैक्स रहते थे, चिल पिल कर रहे थे, वो 11th क्लास में उन्होंने कुछ भी ऐसा पढ़ाई वढ़ाई करने का उनको, और वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। हम लोग अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी, हार्डवर्क करने के बावजूद भी उनसे पीछे रह जाते थे। तो ये जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता था कि अगर आपने एक स्कूल जैसे हम अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आर्मी वालों के बच्चे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो अगर उनको किसी ऐसे स्कूल में चेंज करना पड़ा जो बहुत एडवांस चल रहा है, तो उनको पिछले स्कूल में इतना कवर नहीं कराया होगा जितना अगले स्कूल में इतना एडवांस में कवर करवा दिया होगा, राइट। तो उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी कवर करने में, है ना। तो अगर सेम चीज़ होएगी तो बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनमें पेरेंट्स को अपनी जॉब की वजह से लोकेशंस चेंज करनी पड़ती हैं, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर उन्हें बोर्ड्स और स्कूल्स चेंज करने हैं। तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एम्स टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर कॉल्ड परख। बिल्कुल सही है ये कि इसमें एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा। परख्स मेन रोल इज टू डिस्करेज स्कूल बोर्ड्स फ्रॉम चेंजिंग देयर असेसमेंट पैटर्न्स टू मीट करंट स्किल रिक्वायरमेंट्स।
की परख जो है वो स्कूल्स को डिस्करेज करेगा, उनको मना करेगा कि आप अपना असेसमेंट पैटर्न चेंज मत करो जो कि करंट स्किल सेट्स रिक्वायर्ड स्किल सेट्स को मीट करे, जो कि बिल्कुल गलत है। हम क्यों किसी को डिस्करेज करेंगे भाई कि आप ऐसे मत करो, जबकि ये तो अच्छा स्टेप है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज नॉट ट्रू। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ क्रिटिकल इशू कंसर्निंग द करंट स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। आज के स्टेट दिन की जो स्कूल एजुकेशन की जो हालात हैं उनको बताते हुए कौन सी क्रिटिकल बात को रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन से कंसर्न को एक रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स फोकसिंग सोलली ऑन आर्ट सब्जेक्ट्स कॉजिंग एन इम्बैलेंस, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल आर्ट सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इम्बैलेंस है स्टूडेंट्स में, जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स का रेशो है वो डिफरेंट है, बट ये मुख्य कंसर्न यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम्स दैट मे लैक क्रेडिबिलिटी ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स अचीविंग ओवर 90% मार्क्स, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि बच्चों को जो फोर्स किया जाता है कि 90% से भी ऊपर लेकर आना है मार्क्स, है ना। स्कूल्स का भी मेन फोकस इसी बात के ऊपर रहता है, तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है कि कहीं वो जानबूझ के अपने बच्चों को या तो क्योंकि पेपर्स तो स्कूल्स में ही चेक होते हैं, राइट। तो वी डू नॉट नो कि आपने अपने स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कहीं कुछ हेर फेर की होगी, है ना, या फिर कुछ चीट ना करवाया हो बच्चों को। तो इन चीज़ों के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। फ्यूचर रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स इज अनक्वेश्चनेबल एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म एक्सेप्शनली इन देयर एग्जाम्स। तो अब मेरे को आप खुद लॉजिकली सोच के बताओ, क्या जो बच्चा 99% मार्क्स लेकर आ रहा है मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को रट कर, ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो उसने रटा था वही आ गया और उसने वहाँ पे रिकॉल भी कर लिया, क्या वो व्यक्ति ज़रूर ऐसा ज़रूरी है कि वो आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको एक ओवरकम कर पाए, जो भी आगे घटनाक्रम होने वाला है उसको वो उसको झेलने के लिए तैयार है? नहीं है ना ज़रूरी। हमने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मार्क्स तो बहुत अच्छे लेकर आते हैं लेकिन उनको एक्चुअल बेसिक चीज़ें नहीं पता होती जो हमारी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काम आती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द सेंट्रल असेसमेंट बॉडी शुड अवॉइड कोलैबोरेटिंग विद स्टेट बोर्ड्स, ये तो यहीं से गलत हो गया। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको सबका सहयोग चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली वेयर ऑपोजिशन पार्टीज आर इन पावर। ये भी बिल्कुल गलत है कि अगर जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज पावर में है अगर हम उनके साथ में कोलैबोरेट ही नहीं करेंगे तो वहाँ के बच्चों को अगर स्कूल चेंज, जो भी हमने ये प्रॉब्लम्स मेंशन करी वो वहाँ के बच्चों को भी तो फेस करनी पड़ सकती है ना। तो केवल ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? तो टोन इस पैसेज की काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव है क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज सिलेबस करने के लिए, एग्ज़ाम फॉर्मेट को चेंज करने के लिए और सरकार को सबके साथ मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, इन सब बातों की उन्हें सलाह दी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अच्छा कदम है, बनाना चाहिए, और क्योंकि बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स उन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं तो उन सब में ये चीज़ें काम आएंगी और अच्छी समझ रखती हैं। तो इनडिफरेंट तो नहीं है क्योंकि उनको पूरे मसले की अच्छे से जानकारी है, राइट, उनको हर एक बात की बारीकी से परख है, समझ है। तो इनडिफरेंट यानी कि अनइंटरेस्टेड या अनअवेयर तो नहीं है वो। कॉमिकल, मजाक भी नहीं किसी चीज़ का उड़ा रहे, ठीक है, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे किसी चीज़ को, उम्मीद ज़रूर जताई है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो बचा ऑप्शन डी सजेस्टिव, जो काफ़ी हद तक क्लोजली सूटेबल है यहाँ पे। सो ऑप्शन डी सजेस्टिव इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन एजुकेशन। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की चर्चा नहीं करी है, ठीक है, बिल्कुल भी कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कहीं भी मेल नहीं खाता। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क्स अक्रॉस स्टेट बोर्ड्स इन इंडिया, बिल्कुल सही, हमने पूरे आर्टिकल में यही चर्चा करी कि हमें पूरे देश भर में एक स्टैंडर्ड
असेसमेंट सिस्टम लेकर आना है, जिसके बनने की शुरुआत कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाने की घोषणा करी है, ठीक है, इससे हमने शुरुआत कर दी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द टर्म एजेस। एजेस का मतलब होता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, बैकिंग अप, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैसले का समर्थन करना, ठीक है। तो एजेस, यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन, जो कि एजेस का मीनिंग है प्रोटेक्शन, ठीक है, तो यानी कि सिनोनिम हो गया प्रोटेक्शन। डेंजर मतलब खतरा, थ्रेट मतलब भी खतरा, नेग्लिजेंस मतलब अनदेखा करना। तो यहाँ पे ये तीनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए प्रोटेक्शन इज करेक्ट। एस्टॉनिशिंगली, एस्टॉनिशिंगली मतलब बड़ा ही अमेजिंगली, बड़ा ही विद अ ग्रेट सरप्राइज, ठीक है, तो एस्टॉनिशिंगली मतलब अमेजिंगली, सो ऑप्शन ए अमेजिंगली इसका सिनोनिम है। हॉरिफिकली, टेरिबली, ऑफुली, ये सारे जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। एस्टॉनिशिंगली मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है डेविएशन का। डेविएशन का मतलब होता है किसी भी पथ से अलग होना, डिफरेंट होना, यानी कि आपको इस रास्ते पर जाना था, आप यहाँ से डेविएट हो गए और इस पे चले गए, तो वो क्या हो गया, आप इस रास्ते से भटक गए। तो जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है किसी आपके एक ओपिनियन से या किसी भी चीज़ से, जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी है, उसको बोलते हैं डेविएशन। तो डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब अलगाव, ठीक है, अलग होना। वेरिएशन मतलब भी डेविएशन, डिस्पैरिटी मतलब भी डेविएशन। ये तीनों तो हो गए सिनोनिम्स डेविएशन के, ठीक है, तो केवल एक बच गया, कॉनकॉर्डेंस। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता, तो आपको ये तीनों के मीनिंग पता, तो आपको पता चल गया कि ये तीनों नहीं है, दैट मीन्स जो एक बचा वही होगा। बाकी कॉनकॉर्डेंस का मतलब होता है अग्रीमेंट, अलाइनमेंट, ठीक है, किसी बात से अग्री करना, किसी चीज़ के अलाइनमेंट में होना, किसी सेध में, जिसमें जा रहे थे आप उसी में चल रहे हैं, जिसमें आपको जाना था आपको उसी रास्ते पे चल रहे हैं आप, कोई डेविएशन नहीं आया। सो ऑप्शन ए अलाइनमेंट इज द एंटोनिम फॉर डेविएशन। दिस इज डैश फेमाइन दिस कंट्री हैज सीन इन डेकेड। अब दशकों में ये सबसे भयानक कोई चीज़ हुई है, ठीक है, तो सबसे क्या होगा, दी वर्स्ट, दिस इज दी वर्स्ट। दी उसकी एक्सटेंट को बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि बहुत ही भयानक है। वर्स का जो मतलब दुष्प्रभाव का जो एक सुपरलेटिव डिग्री है वो आ जाता है वर्स्ट, ठीक है, तो दी वर्स्ट, दी वर्स्ट, दी वर्स्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दी वर्स्ट। He took a hurried glance on the newspaper and swiftly left for the work. तो यहाँ पे जब आप ग्लैंस की बात करते हो, तो ग्लैंस के साथ में किसी चीज़ के ऊपर आप नज़र दौड़ा रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर ऊपर से आप मोटी मोटी नज़र दौड़ा रहे हैं, तो ऑन की बजाय यहाँ पे एट होएगा, ठीक है, एट द न्यूज़पेपर। ऑलराइट, सो ऑप्शन ये ऑन द न्यूज़पेपर वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे ऑन की बजाय एट होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है तनाव खींचना, अपने आप को स्ट्रेच करना, राइट, एक्सरसाइज करते तो स्ट्रेच करते ना, तो वो होता है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच की स्पेलिंग देखो, एस टी आर ई टी सी एच, ये होते हैं स्ट्रेच की स्पेलिंग, यहाँ पे टी मिसिंग है। सेंस, समझना, समझदारी दिखाना, या फिर जो हमारी सेंसेस होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस होती है सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब क्या है, हमारी सेंसेस हैं, ठीक है। स्वॉलो, स्वॉलो मतलब निगलना, और सर्वे मतलब आंकलन करना, लोगों के पास जाके उनका मत जानना किसी बात के बारे में, ठीक है, तो वो हो गया सर्वे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्ट्रेच के स्पेलिंग गलत थे। हमें इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। मोहन सेज दैट ही वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन ही ग्रोस अप। यानी कि मोहन कह रहा है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं वो बनना चाहूंगा, ओके, तो व्हेन आई ग्रो अप, राइट, तो ही मोहन सेज आई वुड लाइक टू, ही की जगह क्या आ जाएगा, दैट की जगह हटके एक डबल कोट्स आ जाएंगे, ठीक है, मोहन सेज आई, ही की जगह आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन, ही की बजाय आई, आई ग्रोज नहीं आएगा फिर, ग्रो अप, ठीक है, व्हेन आई ग्रो अप, ओके, तो मोहन सेज
मोहन सेज ही लाइक्स टू बी, ही लाइक्स नहीं आएगा, ही वुड लाइक, ही भी नहीं आएगा, आई वुड लाइक टू बी. मोहन सेज आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, हमें एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, यानी कि हार्डवर्क और सिंसियरिटी के बिना हम सक्सेस नहीं पा सकते. तो वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, राइट. तो क्या हो जाएगा, वन कैन नॉट अचीव हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी विदाउट सक्सेस, गलत है. वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, बिल्कुल सही है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिर से एक्टिव या पैसिव वॉइस में चेंज करना है. ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर, तो हिज एम्प्लॉयर गेव हिम, गिवन का गेव हिम अनदर चांस. ठीक है, गेव ही वॉज की बजाय हिम अनदर चांस. ठीक है, हिज एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम अनदर चांस. His employer is giving him another chance. He gave his employer another chance. His employer gave him another chance. Option D is correct. ठीक है, underline word को change करना है अगर requirement है, underline group of words को, और अगर नहीं requirement है तो no substitution required. ठीक है, football fans are feeling proud of their teams when they win. तो जब उनकी टीम्स जीतती हैं तब उनको प्राउड फीलिंग आती है. ठीक है, तो क्या होगा, फुटबॉल फैंस फील प्राउड ऑफ देयर टीम्स व्हेन दे विन, यानी कि आर फीलिंग प्राउड की जगह फील प्राउड. ठीक है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. फेल्ट प्राउड टू देयर टीम्स, आर फील टू प्राउड ऑफ देयर टीम्स, या फील प्राउड ऑफ देयर टीम्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. It is impossible to reach the space as there is no passage that leads to it. कि उस एक स्पेस है, एक जगह है जो खाली है, वहां तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, पैसेज नहीं है. The void seems to have no meaning at all and was perhaps just left there for construction reason. बोल रहे ये जो खाली जगह है, void मतलब खाली, तो खाली ये जो जगह है ये ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है और ये ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे छोड़ दी गई थी. ठीक है, इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रैंड गैलरी विच इज अ नोन पैसेज वे दैट लीड्स टू किंग्स चेंबर. बोल रहे हैं कि ये ग्रैंड गैलरी के साइज की है, ये जो खाली जगह है ये ग्रैंड गैलरी के साइज की है जो कि जानी जाती है किंग्स के चेंबर तक जाने के लिए. ठीक है, द न्यूली फाउंड चेम्बर इन इजिप्शियन पिरामिड इज 30 मीटर लॉन्ग. एक इजिप्शियन पिरामिड के अंदर एक नया चेम्बर मिला है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नया चेम्बर मिला. कहाँ पे मिला, इजिप्शियन पिरामिड मिला जो कि 30 मीटर्स लॉन्ग है. फिर आगे जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो इसी पिरामिड के, इसी चेम्बर के बारे में चर्चा है. ये हो गया फर्स्ट. इसके बाद आ जाएगा सी, कि ये जो नया चेंबर मिला ये ग्रैंड गैलरी के साइज का है जिसको कि एक पैसेज वे की तरह यूज किया जाता था किंग्स चेंबर के लिए. ठीक है, अब उसके बाद में कि इस चेंबर तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि यहां तक जाने के लिए कोई पैसेज वे नहीं है. ठीक है, ये हो गया थर्ड. और ऐसा लगता है कि ये जो खाली जगह है केवल ऐसे ही छोड़ दी गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं है. ये हो गया फोर्थ. डी सी ए बी, डी से दो बन रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. तो ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गया, राइट. डी सी बी ए, डी सी बी ए हमारा नहीं है, हमारा है डी सी ए बी. तो डी सी ए बी ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंटोनिम बताना है हमें. नेगोशिएशंस वर एट क्रूशियल स्टेज. क्रूशियल मतलब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट या फिर एसेंशियल. ठीक है, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, ये हो गया क्रूशियल के मतलब. ओके, तो अब इसका एंटोनिम बताना है. अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो उसको अब भी करना जरूरी है, राइट, इमीडिएटली करना. स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर. Essential मतलब crucial, essential synonyms है. Trivial, trivial मतलब
अनइम्पॉर्टेंट, छोटा सा, जिसका कोई बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तुच्छ, सो वो हो गया ट्रिवियल. तो यानी कि क्रूशल का एंटोनिम हो गया ट्रिवियल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई एन्जॉय डैश एट माई लिटिल ब्रदर. अब जो वर्ड्स होते हैं, जिस जैसे इन्जॉय, एन्जॉय, एडमिट, डिनाई, प्रिवेंट, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, जब जब इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो जो वर्ब है वो अपनी फोर्थ फॉर्म में यानी कि जेरंड फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है, जेरंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे आई एन्जॉय टू लाफ, लाफिंग, लाफ्ड, लाफ. आई एन्जॉय लाफिंग एट माई ब्रदर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कनमिंग द स्प्रिंग सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना. कनमिंग एक शहर का नाम है जिसको स्प्रिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूनान प्रोविंस जो है चाइना की, वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है. इट इज़ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर ऑफ यूनान. ये जो शहर है ये यहाँ का पॉलिटिकल सेंटर भी है, इकोनॉमिक सेंटर भी है, कम्युनिकेशन सेंटर भी है, और कल्चरल सेंटर भी है यूनान का, ठीक है. कनमिंग हैज़ प्लेजेंट वेदर एंड पिक्चर्स्क्यू व्यू. यानी कि पिक्चर्स्क्यू व्यू मतलब क्या होता है कि बहुत ही सुंदर, मनमोहक, दर्शनीय, देखने लायक वहाँ का व्यू है, नज़ारा है. तो कनमिंग में मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, वेदर भी बड़ा अच्छा रहता है, और उसका नज़ारा भी बड़ा देखने योग्य है. Owing to the standard of life and favorable climate, the city has been ranked among the best cities to live in China. Climate की, अच्छे climate की वजह से, अच्छे favorable climate की वजह से, और वहाँ का जो रहने का living standard है उसकी वजह से जो Kunming है ये China में best cities के अंदर rank किया जाता है, जहाँ पर लोग रह सकते हैं. तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक कोई Kunming शहर है कहाँ पे, चाइना के यूनान प्रिंस में, और बाकी सारी चर्चा उसी के बारे में है. तो ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट जो है, ए फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है. इसके बाद में उसी के बारे में सारी चर्चा की गई है कि यहाँ पे पहले उसका नाम लिया था, इमिडिएटली बाद में नाम नहीं लिया गया, उसका प्रोनाउन यूज़ किया गया, इट इज़ पॉलिटिकल, ठीक है. तो इसकी अहमियत बताई गई, क्या अहमियत है. फिर उसके बाद बताया गया कि वहाँ का वेदर कैसा है, वो नज़ारा कितना सुंदर है, और फिर बताया गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये बेस्ट सिटी है चाइना में रहने के लिए, राइट. सो ए बी सी डी जिस पैटर्न में लिखा गया है उसी पैटर्न में ये आंसर्स हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेहा टोल्ड मी दैट सेजल वॉज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देन. रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. नेहा ने बताया तो नेहा सेड टू मी, फिर दैट के बजाय आ जाएगा डबल कोट्स. सेजल वॉज हैविंग की बजाय आ जाएगा सेजल इज हैविंग. वॉज पास्ट की बात होगी, अभी बता रहे हैं. तो सेजल इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देन, देन की बजाय नाउ, ठीक है. तो नेहा सेड टू मी सेजल इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस नाउ. तो नेहा सेड टू मी सेजल वॉज हैविंग, वॉज नहीं आएगा, इज आएगा, गलत हो जाता है. नेहा सेड टू मी सेजल विल बी, फ्यूचर की बात है, गलत हो जाएगा. नेहा सेड टू मी सेजल इज हैविंग हर ऑनलाइन क्लासेस एट दैट टाइम, दैट टाइम भी गलत हो जाएगा, नाउ आएगा. नेहा सेड टू मी सेजल इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस नाउ. ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन अगर कंटेंट पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच, और टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.